नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 2000 का नोट बंद होने के बाद अब 500 के नोट पर आई बड़ी अपडेट। वर्ष 2016 से प्रचलन में आए 2000 के नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस बाजार से खत्म करने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 के नोट 23 मई से 30 सितंबर तक किसी भी ब्रांच से बदले जा सकेंगे। 2000 के नोटों का यह मामला आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री कभी भी 2000 रुपए के नोट को लाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर जब उन्हें बताया कि 2000 के नोट कुछ समय के लिए लाए जा रहे हैं तो फिर उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी। उन्होंने 2000 के नोट को कभी भी गरीबों का नोट नहीं माना था, क्योंकि उन्हें पता था कि 2000 रुपए के नोटों से लेनदेन की बजाय जमाखोरी ज्यादा होगी। 500 रुपए पर आई बड़ी अपडेट। उधर 2000 रुपए के नोट के बाद देश में सबसे बड़ा नोट 500 रुपए का रह गया, इसलिए लोगों को 500 रुपए के नोट के असली और नकली की पहचान होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 500 रुपए के नोट के फ्रंट साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। 500 रुपए के मूल वर्ग के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं। पूर्व प्रधान सचिव ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव थे तब 500 और 1000 के नोट बदलने का निर्णय लिया गया था। डिमोनिटाइजेशन में पुराने नोट एक निर्धारित तिथि से खत्म कर दिए जाते हैं और उन नोटों को बदलने की व्यवस्था होती है, इसके लिए भी एक समय सीमा दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि उस समय 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने थे तथा उनके बदलने की व्यवस्था भी करनी थी, तो इसके लिए जरूरी था कि 500 और 1000 रुपए के नोट लाने पड़ते और नए नोटों की व्यवस्था प्रिंटिंग के तहत ही की जानी थी और प्रिंटिंग का कार्य रिजर्व बैंक करता है, लेकिन रिजर्व बैंक की उस समय प्रिंटिंग की इतनी क्षमता नहीं थी, इसलिए 2000 रुपए के नोट जारी करने पड़े थे। क्योंकि जहां 500 रुपए के चार नोट छापने पड़ते वहीं 2000 रुपए के एक नोट से चार नोटों की वैल्यू पूरी होती। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के सामने नोट छापने वाली कंपनियों की क्षमता के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते कि नोट बाहर से छपवा कर लाए जाएं, इसलिए एक ही रास्ता बचा था कि सीमित समय के लिए 2000 रुपए के नोट छाप लिए जाएं। इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 रुपए के नोट जारी करने की स्वीकृति दी थी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।